एके मिश्रा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पब्लिक प्रवक्ता की तरह हमारे शो पर हाजिर हैं आज। एके मिश्रा साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हैं लेकिन पब्लिक प्रवक्ता भी हैं आज इस शो पर, तो पब्लिक कितने एक्साइटमेंट में क्यों है? आप भी इसे इतनी क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट को, और आपके लिए क्या दिलचस्प फैक्टर है? क्योंकि इस वक्त तो टसल बहुत ज्यादा, बयान अभी तक जारी हैं, दोनों अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है फैसला, ये भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए मिशा, आपका एक सवाल बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि सवाल ये है कि कोई 10,000-12,000 किलोमीटर दूर का देश है और भारत की जनता उसमें इंटरेस्ट क्यों ले रही है, या कहीं किसी दूसरे देश की जनता भारत के चुनाव में इंटरेस्ट क्यों लेती है? देखिए, रिलेशन दो तरीके के होते हैं, एक डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल्स होते हैं जहां पे सरकार के लोग या पदाधिकारी मिल करके अपने कामकाज को करते हैं। दूसरी चीज मैं बताऊं, किसी भी देश की पब्लिक की दो तीन बहुत जबरदस्त जरूरतें होती हैं। पहली ये होती है कि सुरक्षा होती है, दूसरी होती है समृद्धि, और तीसरी होती है कल्चरल, संस्कृति। कहने का मतलब मिलिट्री के बाद इकोनॉमी और इकोनॉमी के बाद संस्कृति। ये दोनों ही चीजों की जरूरत भारत को भी है, भारत की जनता इस चीज को महसूस करती है कि हम किसके साथ रहेंगे तो हमारी इन चीजों में बढ़ोतरी होगी, हमें फायदा होगा। और जब ये दोनों रिलेशन प्रगाढ़ होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो रिलेशंस के होते हैं, जो बाइंडिंग डेवलप होती है पब्लिक टू पब्लिक, वो होती है कल्चरल। आप पास्ट में देखिए, ट्रंप के या इसके पहले भी ओबामा के जो हुए थे, हर बार आप ये महसूस करेंगे कि पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशंस होते हैं वो कहीं और प्रगाढ़ होते गए हैं, सेंटिमेंटल बॉन्डिंग हम लोगों की बढ़ती चली गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता भी ये समझ रही है, ये उसको एहसास है, ये वो सेंसिटिव है इस पॉइंट को लेकर के, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो उनकी चाहत का है, जो उनके फेवर का है, जीतता है तो उससे इमीडिएट उनको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो यहाँ पे पब्लिक अपने हित को जोड़ करके वहां पे देखने लगती है तो उनके सेंटिमेंट वहां पे जुड़ जाते हैं और वो बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा लगा समझ के कि आम जनता शायद इतनी सजग हो गई है कि 12,000-13,000-14,000 किलोमीटर दूर देश के रिजल्ट से उसको अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी समृद्धि की चिंता है। ठीक है, और इंडिया अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मुल्क है, ये भी सब जानते हैं। एके मिश्रा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, एक टिप्पणी चाहूंगी इस पे, एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं कि अमेरिकन इलेक्शंस में जिस तरह का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, छीछा लेदर, वो सब हमने देखा, और अब धांधली के आरोप, क्योंकि ऐसी आवाजें हमने इंडिया में भी उठते देखी हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये फेयर नहीं है, वही चीजें अमेरिका में देखने को मिल रही हैं। फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है अब ट्रंप और जिस तरह से बाइडेन आपस में लड़ रहे हैं? कमोबेश देखिए, मैनिपुलेशन या पॉलिटिक्स का नेचर यही है, बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, कुछ 20-22-25 वोटों का अंतर दोनों के बीच में है, और जब अंतर इतना क्लोज होता है तो किसी भी पार्टी को ये लगने लगता है, हो सकता है हम हार जाएं, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑप्शन एक बचता है जो सबसे पहले किसी के दिमाग में आता है कि हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ी हो, एक चांस और उनको मिलता है, एक मौका और मिलता है सुप्रीम कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाकर के इस चीज को चैलेंज करना, और अगर उनके हाथ में कहीं है तो डिसीजंस को अपने फेवर में लेने के लिए वो कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी नेचुरल सी प्रतिक्रिया है, ये भारत में ही नहीं, लगभग जगह जहां पे लोकतंत्र है इलेक्शन होते हैं, तो मैं मानता हूं, और ये आना था। जब ये इतना क्लोज कॉम्पिटिशन होता तो कोई ना कोई पार्टी को ये बोलना था कि हाँ भाई देखिए, या तो और बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप से ही की जा रही थी, पहले से वो इंडिकेट कर रहे थे कि वो अगर उनको कुछ अनफेयर लगा तो वो अग्रेसिवली उसको आगे रखेंगे। मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।